हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं टॉप 7 लेस्बियन सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ जो 2022 में इंडिया में रिलीज हुआ है। तो आप लोगों ने अगर इन सारे सीरीज को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। नंबर 7 पर है आई लवर्स 2। यह सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और सीरीज को फिलहाल कोई रेटिंग्स नहीं मिले हैं। इस सीरीज में आप रिचा और नेहा के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो रिचा जिसे बचपन से ही दो लव बर्ड्स के सपने आते हैं, लेकिन वो कौन है, कहां से है, ये उसे नहीं पता। और इसी चीज को पता करने के लिए जब वो मुंबई आती है तब वो मिलती है आरजे नेहा से, जो उसकी हेल्प करती है इन सारे चीजों का पता लगाने के लिए, और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। अब दिक्कत ये थी, रिचा की शादी एक लड़के से होने वाली थी, तो रिचा नेहा को चूज करती है या उस लड़के को, यही देखने लायक है सीरीज में। इस सीरीज को आप URTV ऐप पर देख सकते हैं जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 6 पर है मिसमैच्ड सीजन 2। यह सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और सीरीज को IMDb से 5.8 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप नम्रता आयशा और सेलेना के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो नम्रता जो लेस्बियन थी, ये बात पूरे कॉलेज को पता चल जाता है सेलेना के वजह से, जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन सेलेना को उसके प्यार की कोई कदर नहीं था। और फिर नम्रता जब आयशा से मिलती है तब वो बहुत खुश रहने लगती है, जो देख के सेलेना को गिल्टी और साथ में जेलस फील भी होता है। और सेलेना जब अपनी सेक्सुअलिटी जानने के बाद नम्रता को प्रपोज करती है तब नम्रता मना कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड थी। वैसे मैं बता दूँ, इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 5 पर है 4 More Shots Please Season 3। ये सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और सीरीज को IMDb से 6.3 रेटिंग्स भी मिले हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो शादी से भागने के बाद उमंग अपना जिम खोलती है, एक औरत के साथ रिलेशनशिप में भी जाती है, लेकिन उमंग को जब पता चलता है वो अपना दर्द भुलाने के लिए उसका यूज कर रही है तब वो उसे छोड़ देती है। और एक दिन समारा जब उससे मिलने आती है तब दोनों अपना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके फिजिकल होते हैं। अब आगे दोनों साथ में रहते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूँ, इस सीरीज को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पर है ह्यूमन। ये सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और सीरीज को IMDb से 7.9 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप सायरा और गौरी के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो सायरा और गौरी दोनों ही डॉक्टर थे। अब क्योंकि सायरा लेस्बियन थी तो गौरी इस बात का फायदा उठाती है खुद के नर्सिंग होम को बड़ा करने के लिए। लेकिन जब सायरा को गौरी का सच पता चलता है कि वो लोगों की जान बचाने के नाम पर बहुत सारे लोगों की जान ले रही है पैसों के वजह से, तब वो उसका भांडा फोड़ देती है, जिससे गौरी अपना इमेज बरकरार रखने के लिए क्या करती है वो ही देखने लायक है सीरीज में। वैसे मैं बता दूँ, इस सीरीज को आप Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पर है I Love Us 3। ये सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और इस सीरीज को फिलहाल कोई रेटिंग्स नहीं मिले हैं। और इस सीरीज में आप अंकुर और कल्याणी की लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो अंकुर अपने दी की शादी में पहली बार मिलती है कल्याणी से और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब क्योंकि अंकुर एक एथलेटिक थी और कल्याणी एक फैशन डिजाइनर, लेकिन दोनों कैसे एक दूसरे के सपने को सपोर्ट करते हैं यही देखने लायक है सीरीज में। वैसे मैं बता दूँ, इस सीरीज को आप URTV ऐप पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पर है Mumbaiyan 2। ये सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और सीरीज को IMDb से 8.8 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप गुल और साक्षी के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो गुल और साक्षी साथ में रहते थे फैमिली के एक्सेप्ट ना करने के बावजूद भी। अब क्योंकि साक्षी को माँ बनना था तो गुल उसको सपोर्ट करती है, लेकिन साक्षी के प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दोनों माँ बनते हैं और अपने फैमिली के साथ खुश रहते हैं। वैसे मैं बता दूँ, इस सीरीज को आप URTV ऐप पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर है पंखड़िया उड़ी उड़ी। ये सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और सीरीज को IMDb से 9.5 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप पंखी और आर्या के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो पंखी और आर्या एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों की फैमिली ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन फिर आर्या को होती है एक दिमागी बीमारी जिससे वो बहुत ही जल्द जेलस और गुस्सा होने लगती है और साथ में पास्ट के बारे में भी भूल जाती है। और जब पंखी उसे चीट करती है तब आर्या क्या करती है, दोनों साथ में रहते हैं या नहीं, यही देखने लायक है सीरीज में।
वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप UR TV ऐप पर देख सकते हैं। तो फिलहाल ये काउंटडाउन यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।